भगवान पासे कई मांगवू जोइए के नहीं, ए सवाल सतत थतो रहे छे। आजे आ बाबत तमने एक प्रसंग साथे वर्णवू। मने एक समयनी वात याद आवे छे। आ बनेली घटना छे अमारा अनुभवनी वात छे। अमे डाकोरमा रहिए छीए, आ वात लगभग 6 वर्ष पहलानी हशे। हुं मंदिरमा रणछोड़राय सामे बैठो हतो। संध्यानो समय हतो। मंदिरना त्रणे दरवाजाओमांथी मानवपुर उभरातुं हतुं। वैष्णवोनी भीड़ जामेली, मंदिरमां थोड़ी भीड़ हती, परंतु रणहोड़जीने जोई बधा भक्तो पोताना देहनी स्थिति भूली जता। मैं जोयुं के आखाए मंदिरमां जय रणछोड़ जय द्वारिकाधीशनो नाद संभळावा लाग्यो। जेम जड़ बधानुं छे एटले बधा पीवे, जेम सूर्य बधानो छे एटले बधा तापले, जेम हवा बधानी छे एटले बधा श्वास ले, तेम रणछोड़ बधानो छे एटले बधाने जय बोलवानी मंदिर मां छूट छे। नाना बाळको थी मांडी वृद्धो सुधी बधा ज रणहोड़जी ने निहाळी धन्यता प्राप्त करे अने आनंद थाय आवो दृश्य हूँ दररोज जोतो। अने ए समय हूँ एकाद कलाक मंदिर मां ज भगवान सन्मुख बेसतो अने तेमनी सामे जोतो रहेतो। मने घणा त्यारे पूछता के महाराज श्री तमे धारी धारी ने शू जोवो छो, त्यारे हूँ कहेतो के जुओ ने केवी मोटी आँखो छे, आज जोवा जेवू छे, बीजू नहीं। आवो सत्संग पण थतो मंदिर मां, परंतु मित्रों घटना हवे बने छे। मारे तमने जे कहेवू छे ते आ छे के थोड़ी वार थई एटले एक माजी आव्या अने भगवान ना एक पछी एक नाम बोलवा लाग्या। हे गोपाल, हे गोविंद, हे रणछोड़, हे गोवर्धननाथ, हे नंदलाल, हे बांके बिहारी, हे जनार्दन, हे माधव वगैरे भगवान ना अनेक नाम बोल्या। अने मने थयु के वाहबाने बहु सरस नाम आवड़े मोटा भक्त लागे छे। अने हूँ गणतरीनी सेकंडो मां खोटो पड़्यो। बा ए आखो लिस्ट वाँचवानू चालू कर्यो। हे नाथ, एक गाड़ी मळे जेथी डाकोर अवाय, दीकराने फेक्टरी थाय, दीकरानी दीकरीने एक भाणो आपो, सोनू चांदी धन धान्य थी आखा परिवार ने सुखी करो, बधा गाड़ी बंगला वाला थाय अने जो आ बधुं ज थई जशे तो रुपया 1100 नू चांदी नू छत्र तमने धरावीश। आवो सांभळीने मने दुःख थयुं। हूँ एम नथी कहतो के बा ए खोटू मांग्यू, पण बा ए रुपया 1100 नी जे वात करी मने तकलीफ त्या छे। मांगवानी ना नथी ए आपणो पिता छे ने आपणे दीकरा दीकरी छीए, पण सामे शू आपवू तेनी समझण नथी आपणामां। 100 रुपया लई तोलो सोनू लेवा जाव तो सोनी आपे, तो पछी बाए जे मांग्यू तेना बदलामां रुपया 1100 नू छत्र आपवानू कह्यू तो भगवान आपे। आ तो रमोज थई। हवे वास्तविक वात करिए, भगवान बाए मांग्यू तेना आपे, केम न आपे ए हूँ तमने कहूँ छू। भगवान ने खबर छे के रुपया 1100 नी बाधा राखनार दृढ़ श्रद्धावान नथी, तेनी श्रद्धा खंडित छे। तेनी एक बाधा हो पूरी नहीं करो एटले बीजे पहुंचशे, अने भगवान तो इच्छे ज छे के तमे तमारी बाधा पूरी थाय, तो बाधा पूरी करीने तेने छोड़ो, अने बाधा पूरी न थई तो क्रोध थी तेने छोड़ो। आ दुनिया मां भगवान नो नित्य आश्रय राखवा मां कोने रस छे, एम पण एने भक्त क्या ओछा छे। मित्रो, आजकाल आपणे आवी ज भक्ति करीए छीए। आ तो रुपया 1100 आपी आटलू मागू, आनो मतलब यू हैव सम बिजनेस डील विथ द गॉड, नहीं तो तमे आवू न करो। बधा रणहोड़जी थी मांगे छे, पण कोई रणहोड़जी ने नथी मांगतू, अने जेने मात्र रणछोड़जी ज जोईए छे तेने बीजू क्या कहीं जोईए छे। मारू एटलू ज कहेवू छे के जो बाए त्यारे एटलू ज कह्यूं होत के प्रभु तू मारू काम करके न कर, हूँ रोज तारी 5 माळा करीश, तारू नाम लईश तो रणछोड़ राजी ना रेड थया होत,
અમારા સાધુ જીવનના અનુભવ છે કે કંઈ માંગ્યા વગર જ બધું મળ્યું છે। તમે એમ કહો છો કે પ્રભુ અંતર્યામી છે, તો તેની સામે માંગવાની ક્યાં જરૂર છે? અત્યારના સમયમાં કોઈ વ્યક્તિને ભગવાન માટે સમય આપવો નથી, અને ભગવાન આપણી માટે સમય આપે એવું ઈચ્છે છે। નરસિંહ મહેતાએ તેની માટે સમય આપ્યો, પછી ભગવાને તેના માટે સમય આપ્યો છે। આપણે વિચારીએ છીએ કે બાધાના રૂપિયા કે વસ્તુ ચઢાવતા વાર ન લાગે, માળા કરતા વાર લાગે। જો માળા કરવા રહીશું તો ભોગ ક્યારે ભોગવશું? આવા વિચારવા વાળા જ બાધાઓ રાખે છે। પણ ભગવાનની ભક્તિ નથી કરતા, ભગવાનને તમે સમય આપો તે જ તેની ભક્તિ છે। વૈષ્ણવો, તમને એક ટાસ્ક આપવો છે। અમે જે અનુભવ કર્યો છે તેના ઉપરથી તમને કહું છું, એક મહિનો ભગવાન પાસે કાંઈ જ ન માંગો અથવા બીજા માટે માંગો, એવા માટે કે જે તમારા લોહીના સંબંધમાં નથી, અને જોવો કે ઠાકોરજી તમને શું આપે છે। એક વાત યાદ રાખજો કે તમે તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે જીવવા માંગશો તો તે તેની ઈચ્છા પ્રમાણે જીવાડશે, ને જો તમે તેની ઈચ્છા પ્રમાણે જીવવા તૈયાર છો તો તે તમને તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે જીવાડશે। ભગવાનના નામોનું સંકીર્તન તમારા પાપોનું નાશ કરનાર છે, અને ભગવાનના ચરણોનો આશ્રય પ્રણામ બધા દુઃખો દૂર કરે છે। તે જ શ્રીહરિને હું નમસ્કાર કરું છું। વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો બીજા લોકોને શેર કરો। જય શ્રી કૃષ્ણ।